कोई घट भरे धरती पर और भगवान से खली दिखाती एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ललिता बोली, राधा क्या कन्हैया आएंगे नहीं? जब से गए हैं तब से कोई खबर भी नहीं आए, क्या श्याम आएंगे नहीं? तो राधा बोली, ललिता आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे? तो चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी और ललिता से बोली, सहेली ललिता इधर आ, हम बताए कब आएंगे, कब आएंगे? तो लड़की जो है वो कन्हैया की बात कहती हुई बोली ललिता से, अभी थोड़ी आएंगे। तो चंद्रा ने कही बेनरमोही, और इतनी जल्दी नहीं आवे, कब आई? बोले कब आएंगे, जब हम उनकी प्रेम वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। और बोले अभी नहीं आएंगे राधा, तब आएंगे जब हम लोग उनकी याद में यहां मर जाएंगे। वो बहुत देर हो गई देखते देखते, अब आगे बढ़े और जो उनको आगे बढ़े रथ गोपियों ने देखा कन्हैया का, एकदम से भागी। लेकिन उधव को निहार करके लड़कियां उदास होकर के फिर खड़ी हो गई। तो उधव नीचे उतर के आए और बोली, आपने हमें पहचाना? तो ललिता बोली, हाँ पहचान लिया, मथुरा से आई हो, तुम्हारा नाम उधव है? हाँ, हमें भगवान ने भेजा है। काई को अक्रूर आए, वो हमारे जीवन धन को लेके चले गए, और उधर तुम आए हो, क्या तुम हमारा जीवन छीनने आए हो? काई को आए उधर? तो उधर बोले, हमें भगवान ने भेजा है। और जब ये कहा कि भगवान ने भेजा है, तो लड़कियां उधर से बोली, तो उधर बैठो, थोड़ी देर बैठो, क्या कहा भगवान ने आपसे? वो प्रेम पत्र आगे बढ़ाया और उधव बोले, सुनो ये खत दिया है भगवान और हमसे ये कहा है कि गोपियां अभी योगी बन के रहे, और तुम्हें समझाने के लिए भगवान ने ये खत दिया है हमें
तुम्हें समझाने के लिए आए हैं हम। तो चंद्रा जो थी वो जो जलाने लगी और उधर से बोली, धरा क्या कह रहे हो, ये कागज का टुकड़ा लेके आए हो बोली तसल्ली बनाने को। ए उद्धव तुम्हें नहीं पता, अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा घेर नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बनाएगा। उधो अब लड़की जो है चंद्रा नाम की लड़की उधो से बोली, जिंदगी के सूखे उगा कभी पत्थों से नहीं।